हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में, जैसा कि हमने पिछली वीडियो में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी चालू कर दिया था, उसमें हमने देखा था कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 14 हो या 14 से कम हो तो कौन सी कॉन्फ़िगरेशन हम यूज़ करते हैं। आज हम देखेंगे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर 15 और 20 के बीच हो तो कौन सी कॉन्फ़िगरेशन हम यूज़ करते हैं। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 15 एंड 20 के बीच में हो, 15 और 20 के बीच में हो तो हम कौन सी कॉन्फ़िगरेशन लेते हैं, ये वाली सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, सिग्मा 2px, सॉरी सिग्मा 2pz, पाई 2px, पाई 2px और पाई 2py। पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py, सिग्मा स्टार 2pz, ये वाली कॉन्फ़िगरेशन हम यूज़ करते हैं। अब इसका हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि हमारे पास एग्जांपल है O2 का। ओके, तो O2 में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन दो O2 मॉलिक्यूल हैं तो क्या हो जाएगा, इसमें 16 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, हमें 16 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं। ठीक है, तो हम यही लिखेंगे सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, सिग्मा 2pz, पाई 2px, पाई 2py। पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py। ओके, अब इसमें हम इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे तो इन दोनों में तो दो दो इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। ओके, इन दोनों में भी दो दो इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। सिग्मा 2pz में भी दो इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, इन दोनों में भी दो दो इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। ओके, कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 2, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब इसमें एक इलेक्ट्रॉन आएगा और इसमें एक इलेक्ट्रॉन आएगा। ओके, 16 हो गए, 2, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गए। अब इसके लास्ट वाली शेल में कितने 1 इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब ये पैरामैग्नेटिक है, पैरामैग्नेटिक नेचर का। बॉन्ड ऑर्डर हम कैलकुलेट करके देख लेते हैं, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने, 2, 2, 4, 5, 6, 7, 2, 2, 2, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, टेन है। माइनस बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2, 2, 4, 5, 6 अपॉन 2, तो 10 में से अगर 6 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 4, 4 अपॉन 2, 2, 2 जा 4, इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या आ जाएगा, 2। ओके, सिमिलरली ऐसे ही अनदर एग्जाम्पल्स जो हैं वो भी ऐसे ही करने हैं। मैं आपको होमवर्क दे देती हूँ, आप ट्राई कीजिए। O2 पॉजिटिव मतलब इसमें 16 है, पॉजिटिव मतलब एक इलेक्ट्रॉन चला गया है तो इसमें 15 इलेक्ट्रॉन फिल होंगे। ओके, और एक हो जाता है O2 नेगेटिव, O2 नेगेटिव में भी एक इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ है,
मीन्स 16 इलेक्ट्रॉन होंगे तो इसमें हम 17 इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे। बाकी सिमिलर है, बहुत आसान है, आप घर पे ट्राई कर सकते हैं और क्वेश्चंस ट्राई करिए ताकि आपका आप ज़्यादा अच्छे से सॉल्व कर पाएँ। ओके सो इतनी थी आज की वीडियो इस टॉपिक से रिलेटेड। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।